एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक लगाने और लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और पूरे प्रदेशवासियों को यातायात नियम का पालन करने की शपथ भी दिलाई। वहीं इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बाइक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा, जिसमें शुरुआत में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन एक महीने के बाद ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दुर्घटना से देर भली, ये लाइन आपने हर सड़क पर साइन बोर्ड पर देखी होगी, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं। लोग सही तरीके से ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अब यूपी में आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना होगा, क्योंकि गुरुवार से पूरे सूबे में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। सड़क सुरक्षा अभियान को हरी झंडी दिखाते वक्त सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई। वे सभी विभाग अपने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए अगले एक माह तक के लिए जिन जिन कार्यक्रमों को, जिन विभागों को संपन्न करना है, उन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में अपना योगदान देंगे ही। एक माह यानी 20 फरवरी को जब यह कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके बाद फिर अलग अलग विभागों की समीक्षा और किन विभागों ने इस दिशा में कैसा प्रयास किया है, जिससे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हम लोग प्रत्येक नागरिक की जो अमूल्य जान है उसको बचाने में हम लोगों को निर्णायक सफलता प्राप्त हो पाएगी। इस दिशा इसकी समीक्षा इसके उपरांत भी हम विभाग एक साथ करेंगे और उस समय इस बात को देखेंगे कि किस विभाग के जिम्मे कौन सा कार्य था, उन्होंने कितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान महीने भर तक चलेगा, इसको लेकर इसमें सड़क से जुड़े विभाग अपनी भागीदारी निभाएंगे। स्कूल और कॉलेज में जागरूकता का विशेष अभियान चलाया जाएगा, साथ ही चौराहों पर भी लोगों को ट्रैफिक नियम फॉलो कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्योंकि सड़क सुरक्षा का काम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं है। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है, इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं, स्कूल और कॉलेजेज में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी की माने तो ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होती हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से ट्रैफिक नियम का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बहुत बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टेयरिंग पर बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है, स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। आंकड़ों के मुताबिक जितने लोग महायुद्ध में नहीं मरते उससे ज्यादा लोग भारत में सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसमें यूपी का नंबर सबसे ऊपर है, जहां रोज 65 लोगों की मौत सड़क एक्सीडेंट में हो जाती है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं, एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में
होती हैं। वहीं सीएम योगी की अपील का असर रायबरेली में भी देखने को मिला, जहां सड़क सुरक्षा माह को लेकर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। रायबरेली की तरह गोंडा में भी बाइक रैली निकाली गई। ये रैली अंबेडकर चौराहे से गुरु नानक चौराहे तक निकाली गई। रैली में शामिल सभी लोगों को जिलाधिकारी ने यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। आज से ये सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है और ये लगातार 20 फरवरी तक विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रतिदिन कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें यातायात के नियमों के संबंध में जागरूकता, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, इंजीनियरिंग और साथ ही साथ दुर्घटना होने के उपरांत तत्काल सहायता और जिससे कि डिफॉर्मिटीज़ को कम करने, इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान गाजियाबाद में भी देखने को मिला, जहां जिलाधिकारी एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इटावा में विकास भवन ऑडिटोरियम हॉल में सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के मौके पर दीप जलाकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई। सड़क सुरक्षा माह का आज शुभारंभ हुआ है प्रदेश स्तर पर, और उसी के अनुक्रम में हमारे जिले स्तर पर भी एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बाइक रैली का भी अभी हमने शुभारंभ किया है। और इसमें लगातार एक महीने तक आज 21 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे और इसमें 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान सड़क हादसों पर विजय पाने की शुरुआत है। मुख्यमंत्री योगी ने संकल्प लिया कि अभी एक महीने तो लोगों को जागरूक किया जाएगा, लेकिन तब भी लोग नहीं मानेंगे तो उन पर सख्ती से पेश आया जाएगा। जीवन बहुमूल्य है, इसीलिए यात्रा करते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।